दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और जेफ द किलर के बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो पहले आप उसे जाके देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। अब तक आपने देखा कि जेसन बादल को जोरदार किक मारता है। जेसन की किक से बादल नीचे गिरने लगा। बुल्ली और रॉड डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ये देख के बाबा उन लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और बादल को नीचे गिरने से रोक देते हैं। इधर जेफ और जेसन गुल्ली को लेके चले जाते हैं। गुल्ली, बाबा और रॉड बिना हार माने गुल्ली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी रॉड ने जेसन का प्लेन देखा। बाबा ने कहा कि जेफ और जेसन जरूर गुल्ली को लेके इस गुफा में गए होंगे, हमें भी गुल्ली को ढूंढने के लिए इस गुफा में जाना होगा। इतना कहते ही बुल्ली, बाबा और रॉड गुल्ली और शॉन को ढूंढने के लिए गुफा की ओर आगे बढ़ने लगे। और अब आगे की स्टोरी देख लेते हैं। गुफा में बहुत ही अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। बुल्ली, बाबा और रॉड आगे बढ़ रहे थे, तभी वहां पे उन लोगों ने बहुत सारे कंकाल देखे। बुल्ली और रॉड ये देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। रॉड ने कहा कि जेफ और जेसन ने इन लोगों को खा लिया होगा और अब सिर्फ उनके कंकाल ही बचे हैं। बुल्ली ने कहा कि हमें जल्द से जल्द शॉन और गुल्ली को ढूंढना होगा, वरना जेफ और जेसन उन दोनों को भी खा जाएंगे। बुल्ली, बाबा और रॉड गुफा में आगे बढ़ने लगे। गुफा में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। बुल्ली, बाबा और रॉड आगे बढ़ रहे थे, तभी वहां पे उन लोगों ने एक शीशा देखा। बुल्ली ने कहा कि गुफा में शीशा किसने रखा होगा। फिर रॉड ने कहा कि लगता है जेसन यहाँ पे मेकअप लगा के तैयार होता होगा। बुल्ली, रॉड और बाबा गुल्ली और शॉन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी उन लोगों को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। बुल्ली ने कहा कि ये तो शॉन और गुल्ली के रोने की आवाज है, लगता है वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में है। बाबा ने कहा कि शॉन और गुल्ली के रोने की आवाज यहीं कहीं से आ रही है, हमें जल्द से जल्द उन लोगों को ढूंढना होगा। बुल्ली, रॉड और बाबा शॉन और गुल्ली को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बुल्ली ने बाबा से कहा कि शॉन और गुल्ली यहाँ पे नहीं है, पर उन लोगों की आवाज यहीं कहीं से आ रही है। बुल्ली, रॉड और बाबा सोच रहे थे, तभी बाबा को ऐसा लगा कि आवाज शीशे में से आ रही थी। बाबा शीशे के अंदर देखते हैं। बाबा ने रॉड और बुल्ली से कहा कि शीशे के उस पार एक दूसरी दुनिया है और वो लोग शॉन और गुल्ली को भी वहीं ले गए हैं, हमें जल्द से जल्द वहां जाना होगा। फिर बुल्ली, रॉड और बाबा दूसरी दुनिया में जाने के लिए शीशे में कूद जाते हैं। बुल्ली, रॉड और बाबा दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। उन लोगों ने देखा कि वहां पे दो मॉन्स्टर्स खड़े थे। बुल्ली ने बाबा से कहा कि हम अंदर कैसे जाएंगे, वहां पे दो खतरनाक मॉन्स्टर्स खड़े हैं। बाबा ने कहा कि अंदर जाने के लिए पहले इन मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा, रुको मैं अभी इन मॉन्स्टर्स को मजा चखा के आता हूँ। इतना कहते ही बाबा मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। बाबा को आते हुए देख मॉन्स्टर भड़क जाते हैं और बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। बाबा मॉन्स्टर को अपने करंट से जलाने की कोशिश करते हैं, पर मॉन्स्टर को उसका कोई असर नहीं होता। लगता है कि बाबा की सुपर पावर्स यहाँ पे काम नहीं कर रही। मॉन्स्टर्स बहुत ही करीब आ जाते हैं। बाबा की सुपर पावर्स यहाँ पे काम नहीं कर रही थी, इसलिए बाबा मॉन्स्टर को स्मैक लगा देते हैं। बाबा ने कहा कि यहाँ पे मेरी सुपर पावर्स काम नहीं कर रही, इसलिए हमें बहुत ही संभल के आगे बढ़ना होगा। बाबा, रॉड और बुल्ली घर की ओर आगे बढ़ने लगे। बाबा, रॉड और बुल्ली के होश उड़ जाते हैं जब उन्होंने देखा कि जेफ और जेसन ने गुल्ली और शॉन को बांध रखा था।
बाबा ने कहा कि अगर हम यहाँ खड़े रहेंगे तो जेफ और जेसन हमें देख लेंगे। एक काम करते हैं, हम उस बक्से में छुप जाते हैं, फिर मौका मिलते ही हम शॉन और बुल्ली को यहाँ से ले जाएंगे। बुल्ली, रॉड और बाबा बक्से की ओर आगे बढ़ते हैं। मौका मिलते ही वो लोग बक्से में छुप जाते हैं। बुल्ली, रॉड और बाबा के होश उड़ जाते हैं जब उन्होंने देखा कि बक्से में बहुत बड़ी तलवार थी। जेसन ने जेफ से कहा कि मुझे गुल्ली और शॉन को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जब मैं इन दोनों को मार दूंगा तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। जेसन ने जेफ से आगे कहा कि तुम एक काम करो, सबसे पहले उस बक्से में से तलवार लेके आओ, इन दोनों को तो आज मैं खत्म कर दूंगा। ये सुन के बुल्ली, रॉड और बाबा के होश उड़ जाते हैं। इधर जेफ तलवार लेने के लिए बक्से की ओर आगे बढ़ता है जिसमें बुल्ली, रॉड और बाबा छुपे थे। तो गाइस, क्या होगा बुल्ली, रॉड और बाबा का? क्या बुल्ली, रॉड और बाबा पकड़े जाएंगे या फिर जेफ और जेसन इन लोगों को मार डालेगा? तो ये सब हम देखेंगे गुल्ली बुल्ली और जेफ द किलर पार्ट 6 में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।